Today, Keechu will perform for everyone. I mean, he's gonna sing a song for everyone. Are you ready, Avi? We need to sing a song. Kahani sun. Ready? Chalo. Kahani sunu. Avi. Chapai sunu. Kuch pawa tara. Takara wa tara. I think chocolate. इतना अच्छा गाया है, चॉकलेट तो देनी पड़ेगी. I think chocolate. Chocolate tomorrow. I think chocolate. Tomorrow. I think chocolate. Tomorrow, Mama and Keechu will go shopping and yeah. We will buy chocolate. तो रात को मैं सोक करके सोई थी chia seeds दूध के अंदर. तो अभी हमारा नाश्ता है chia seed pudding. बहुत अच्छे बट आई थिंक चिया सीड ज्यादा डर गए मुझसे. बट डजंट मैटर, मुझे तो अच्छी लगती है. इसके अंदर है एप्पल, बनाना, पीनट बटर एक चम्मच और दूध. मैंने ओट मिल्क लिया था क्योंकि दूसरा मिल्क अर्जुना ले नहीं रहे हैं. और इसके अंदर चिया सीड रात को ही भिगो दी थी और एक दो खजूर भी. इसकी फेवरेट जगह पे. हेलो बॉस. फाइनली जॉइन कर लिए. होप टू बी कंसिस्टेंट. तो ये रास्ते में आज कीचू ने मुझे नोटिस कराया कि बेरीज़ है, बुशेस लगी हुई है यहाँ पे पीछे. जब मैं उसको स्टॉप से छोड़ने जाती हूँ, स्टॉप पे मतलब लेके जाती हूँ, तो मैंने आते हुए तोड़ ली क्योंकि ये राइप हो चुकी थी बहुत सारी. और बहुत ही सारी है वहाँ पे. आई थॉट आई विल ट्राई. तो ये है ब्लैक बेरीज़ और बहुत ही खट्टा मीठा सा स्वाद है इनका. और बन चुकी है सात्विक सब्ज़ी इसके अंदर. साथ में आटा बीट रूट के साथ गूंदा हुआ, 50% आटा 50% बीट रूट. सात्विक मोमेंट करके एक पेज है, तो मैंने उनकी कुछ कुछ रेसिपीज देखी तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं. धीरे धीरे इसकी भी आदत हो जाएगी. अब पता नहीं, देखूंगी मैं कैसा बना है क्योंकि ना कोई तड़का ना कुछ, बस पेस्ट बना के सब्ज़ी में ऐड कर दिया है और स्टीम में ही वो टमाटर और कोकोनट पकेंगे. क्योंकि उन्होंने कहा है कि टमाटर और कोकोनट को कभी भी गैस पे नहीं पकाना चाहिए, विच इज़ लाइक सो न्यू टू मी. बिकॉज प्याज टमाटर का मसाला भून भून के हम जो तैयार करते हैं तो हम सारे न्यूट्रिएंट्स उनके ऑलरेडी मार देते हैं. हेलो एवरीवन. तो मैंने पहनी हुई है इस टाइम पे साड़ी और मैं शूट करूँगी अभी. आई एम जस्ट कन्फ्यूज, वैसे बाहर करना है मुझे शूट बट मुझे ऐसे शर्म आ रही है लाल साड़ी पे जा रहे हुए. तो आई आस्क इफ अर्चना कैन स्पेयर लिटिल टाइम एंड कम विद मी. तो शूट करते हैं. और अर्चना को नहीं पता है कि मैं शूट कर रही हूँ. देखते घबरा जाएगा लाल साड़ी. शूट नंबर वन हो गया है, नंबर टू भी अभी अर्चना कर दी है. और हम जा रहे हैं अभी कीचू को लेने लाल साड़ी में. शूट करते करते कैसा एक्सपीरियंस था आपको बताएं? मेरा तो सही था, तेरा देखने वाला था. ये आते जाते लोग इतना नोटिस कर रहे थे. हर बंदा मतलब देख के स्माइल करके जा रहा है, ऐसे देख के कह रहे ये क्या पहना हुआ है इसने. इट्स अ स्पोर्ट्स कार. गुड मॉर्निंग एवरीवन. तो रात को हम सो गए थे जल्दी, तो आज हम सुबह 8:15 की बस पकड़ रहे हैं. सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं जा रही हूँ जिम. सुबह सुबह दिन शुरू करके अच्छा लग रहा है. जरा फटाफट जिम कर लेते हैं और फ्रेश हो जाते हैं. वर्कआउट कर लिया है, अब वापस घर जा रही हूँ.
मुझे पता है एक 5 AM हसलिंग के ऊपर बुक है, मतलब कि आप सुबह 5 बजे उठ जाओ तो आपका इतना बड़ा दिन होता है और इतना कुछ आप कर सकते हो, थोड़ी सी मोटिवेशन आ रही है। तो फटाफट वाली ग्रोसरी शॉपिंग हो गई है और अब हम लेने जा रहे हैं किचू को। ये किचू के पापा, ये किचू के मामा, और आज हमको एस्टा में कम से कम 3 सब्सक्राइबर्स मिले अलग अलग, तो बहुत ही सरप्राइजिंग। एक तो आई थिंक महाराष्ट्र थे, हाँ, एंड एक तो आई थिंक ऐसे दुबई टाइप, हाँ दुबई टाइप के लग रहे थे वो, और वो बोल रही थी कि हम आपके ब्लॉग्स फॉलो करते थे, इंडिया से थे, और जब आप यहाँ आए तो जब हमें पता चला इंडिया से, मतलब सीधा लेमिंगटन, मतलब यूके अलग बात है, यूके में भी लेमिंगटन में आए हो, बिकॉज दे स्टे इन लेमिंगटन, दे लिव इन लेमिंगटन, तो उनको लगा कि ये कैसे हो गया। सो आई कुड, हम यही बात कर रहे थे कि इट्स एक्चुअली सरप्राइजिंग। बंदा दोनों चीज ले आया कि ये बना के मम्मा इसके अंदर डाल के दे दो। You want this? Yeah. भाई क्या चीज बनाई है भाई, हम बचपन में हमें इतनी पसंद थी, अब ये वाले बच्चों को इतनी पसंद है, सबको ही पसंद है। Yes, where do you throw it? There. Please do it. Wonderful. Thank you. Can you sit now? Yes, sir. I've got an idea. So what is? Hi, Abby. Can you say hi to everyone? Hi. Hi. Who is this handsome boy? What are you asking, boy? Again. Okay. Got it. 1, 2, 3. Nichu ka super cool outfit. Preeti mami and Sora mama ne bheja. Thank you. He's looking super cool. What's up everyone? वैसे तो आज संडे है लेकिन मैं स्टूडियो आया हूँ क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है ज्योतिका, जिनसे मैं बॉम्बे में मिला था जब गया था, तो उनका यहाँ पे परफॉर्मेंस है बर्मिंघम मेला में स्पॉटिफाई के थ्रू, तो शी इज़ कमिंग अप। ऑब्वियसली कोई आर्टिस्ट यहाँ आता है और स्पेसिफिकली बर्मिंघम में, तो यू नो दे आर मोस्ट वेलकम टू द स्टूडियो, आए यहाँ पे देखें, और इफ़ दे वॉन्ट टू यूज़ दिस स्पेस दे कैन यूज़ दैट। तो अभी मैं जस्ट ज्योतिका का वेट कर रहा हूँ, आई थिंक शी इज़ जस्ट ऑलमोस्ट रीच्ड। हेलो मिस्टर हरजाई। ये छोटा हरजाई सो चुका है, बड़ा हरजाई गाड़ी चला रहे। हम जा रहे हैं अभी बर्मिंघम मेला। यस, स्पॉटिफाई का म्यूजिक इवेंट है जहाँ पे हमारी फ्रेंड परफॉर्म कर रही है ज्योतिका, जिनके साथ कल मैंने एक अच्छा एक स्टूडियो में म्यूजिक सेशन भी किया है, एक गाना हम लोग ने किया है कुछ इंटरेस्टिंग सा, और आज हम जा रहे हैं उनका परफॉर्मेंस देखने के लिए। यस, और हमें वहाँ मिलेगा आर्यन। बाल जिस दिन धो उस दिन बाल ऐसे फूल जाते हैं, बट बिना धोए जा नहीं सकते थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा 3-4 दिन से धुले नहीं थे। एनी हो, एक्साइटेड है परफॉर्मेंस देखने के लिए, और इसको भी पता है, तो अभी हमने इसको सिखाया है कि ज्योतिका मासी का कॉन्सर्ट है, तो वी आर गोइंग टू ज्योतिका। मैंने कहा यस, वी आर गोइंग टू ज्योतिका, वी आर गोइंग फॉर म्यूजिक कॉन्सर्ट। मैंने कहा यस, इसका पहला म्यूजिक कॉन्सर्ट होगा, सो अभी उठेगा जब आप पहुंचेंगे। तो वहां पे और बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे आर्टिस्ट, राइट, मजा आएगा इसको। यस, हमने तो काफी टाइम से कोई शो नहीं देखा, तो अच्छा है। आर्यन मामू आ चुके हैं। तो इस साइड है VIP लाउंज, यहाँ पे खाने पीने का सामान है, हम खड़े हैं स्टेज के साइड पे और ज्योतिका का इंतजार कर रहे हैं। अब आइए, बेशकीमती चीज एक्सचेंज की जा रही है।
तो हम लोग निकल चुके हैं बर्मिंघम मेला से और अब जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास। ज्योति का वहाँ साथ जा रही है। ब्रिंडली प्लेस करके कोई जगह है जो आर्यन ने ढूंढी है, वो कह रहा है बहुत अच्छी जगह है, आप कभी गए नहीं हो तो इट्स अ डिफरेंट साइड ऑफ बर्मिंघम, मतलब वहाँ हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया। तो हम लोग सारे जा रहे हैं, ज्योतिका इज जॉइनिंग अस, लेट्स गो। रेनबो आर्यन मामू को देखने ही नहीं दे रहे, कह रहे आप इस जालिम दुनिया देखोगे ही नहीं। मामू देखो ये सब जगह होता है दुनिया में, यहाँ पे भी लोग वादे कर करके ताले लगाते हैं। नहीं इसमें गाना बना सकते हैं। कितनी जल्दी जल्दी उतर रहे हैं वहाँ बेटे। You want me to cry? No. No. तो हम हैं ब्रिंडली प्लेस में और ये बर्मिंघम में एक जगह है और बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे रिवर साइड, कैनाल साइड बहुत सारे कैफेज और रेस्टोरेंट्स हैं। ज़रूर ज़रूर अगर आप हैं तो ये ढूंढ के आए और इट्स समथिंग नॉट टू बी मिस्ड। You don't want to wear your bag? Sorry. Okay, I can carry it for you. अभी ने आज अपनी सीट चूज कर ली है। तो अभी अभी पिछले हफ्ते डेट से मैंने जिम का वर्कआउट इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया है। हाँ जी, बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि आपने कहा था आपको एक्सरसाइज नहीं करते हो। अभी तक जो मैंने वेट लूज़ किया था वो सिर्फ़ और सिर्फ डाइट से था, मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं उसमें डाली थी। बट 64 पे आके अटक गया था वेट और डाइट भी बीच बीच में ऐसा हो रहा था, एक आध दिन मैंने गड़बड़ करी है, एक आध दिन नहीं इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट 2-3 दिन। तो जिम तो मुझे ज्वाइन करना ही था बट जो पहले वाला जिम था वो हमको फीजिबल नहीं पड़ रहा था, जबकि वो सस्ता था बट वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था। अब मैंने नया जिम ज्वाइन किया है जो है परेड पे, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट उसको छोड़ती हूँ मैं कीचू को और फिर वहाँ से सीधा चली जाती हूँ।